मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा होगा। आइए फोटोशॉप का सबसे लेटेस्ट वर्जन सीसी 2019 स्टार्ट करते हैं। मैंने सीसी 2019 स्टार्ट किया है। मैंने फोटोशॉप की डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन भी पुराने वर्जन जैसा ओपन हो रहा है। अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो फोटोशॉप स्टार्ट होते के साथ आपको रिसेंट फाइल नजर आएगी। इवन अगर आप नया पेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो नया पेज का बॉक्स एक अलग तरीके से फोटोशॉप के नए वर्जन में नज़र आता है। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने न्यू किया तो पुराने वर्जन में जैसा बॉक्स आता था न्यू पेज क्रिएट करने का, वैसा नज़र आ रहा है। इस वर्जन में अगर मैं मल्टीपल फोटोग्राफ्स भी ओपन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर से एक फ़ोटो ये, एक फ़ोटो ये और कुछ फोटोग्राफ्स ये मैंने ओपन कर लिया, तो सारे के सारे फोटोग्राफ्स अलग अलग विंडो के रूप में ओपन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज नहीं किया है तो सारे के सारे फोटोग्राफ्स टैब के रूप में ओपन होंगे और कई नए फोटोग्राफर्स को टैब में काम करने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर क्रॉप टूल लिया, मैंने इतना हिस्सा क्रॉप कर लिया। अब मैं क्रॉप का एरिया मूव करूँगा तो देखिए क्रॉप का एरिया मूव हो रहा है। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे तो आपका फोटो मूव होगा। ये सेटिंग कौन सी थी, मैंने क्या चेंजेस किए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। ओके, इसके अलावा फोटोशॉप के नए वर्जन में एक दिक्कत और आती है, जिसकी वजह से लोग फोटोशॉप का नया वर्जन इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी हम लोग क्लोन स्टाम्प टूल से सैंपल लेते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर से क्लोन स्टाम्प टूल से सैंपल लिया, अल्ट के साथ इसकी टोपी पे क्लिक किया, और अगर मैं यहाँ पर सैम्पलिंग का एरिया जो ये सर्कल है लेके जा रहा हूँ, तो फोटोशॉप के नए वर्जन में डिफॉल्ट सेटिंग में सैम्पलिंग का एरिया यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन फिलहाल वो सेटिंग मैंने चेंज कर दिया है तो सैम्पलिंग का एरिया नज़र नहीं आ रहा है, और अब मैं यहाँ पर से स्टाम्पिंग कर सकता हूँ। तो आप थोड़े से सेटिंग में बदलाव करके फोटोशॉप के नए वर्जन को भी पुराने वर्जन जैसा बना सकते हैं, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। अब मैं आपको बताता हूँ उन 10 ऐसे ऑप्शंस के बारे में, टूल्स के बारे में, जो फोटोशॉप के पुराने वर्जन में नहीं है, नए वर्जन में है, और वो ऑप्शंस इतने काम के हैं, इतने शानदार हैं कि आपको देख के मजा आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ फोटोग्राफ्स ओपन कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक कटिंग का। फोटोशॉप के पुराने वर्जन में अगर आपको किसी भी फोटो को कट करना होता है तो आप पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगल कलर बैकग्राउंड हो तब तो आसानी से काम हो जाता है, लेकिन अगर मल्टी कलर बैकग्राउंड हो, आउटडोर की फोटो हो, तो आपको काफी टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ओपन करके रखा है और आप लेयर पैनल में देख सकते हैं कि ये जेपीजी फोटोग्राफ्स है। एक ये सिंगल कलर बैकग्राउंड के साथ, ये आउटडोर की फोटो, ये एक आउटडोर की फोटो और ये एक आउटडोर की फोटो। लेकिन फोटोशॉप के नए वर्जन में एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप कटिंग बहुत आसानी से और बहुत फास्ट कर सकते हैं। इस टूल के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल देखते हैं हम लोग शॉर्ट में। मैं सेलेक्ट में गया, सब्जेक्ट में गया और ऑटोमेटिक फोटो सेलेक्ट हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए फोटो सेलेक्ट हो गई है, ऑटोमेटिक सेलेक्शन हो गया है। बस आपको इस मास्क बटन पे क्लिक करना है और आपकी फोटो कटिंग हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन कई बार अच्छे से काम नहीं करता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में एक वीडियो जल्दी ही आएगा। इस फोटो को मैंने कर दिया क्लोज। ये फोटो देखिए, आप देख सकते हैं जेपीजी फोटो है। मैं सेलेक्ट में गया, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्शन हो गया, मास्क बटन पे क्लिक, कटिंग, इसे भी मैंने कर दिया क्लोज। ये फोटो देखिए जेपीजी फोटो है, सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये देखिए सिलेक्शन हो गया, इसे भी मैंने कर दिया क्लोज। अगर सिंगल कलर बैकग्राउंड है तब तो और आसानी से काम होता है। अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं तो इस टूल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचिए कितना टाइम आपका सेव होगा। कटिंग करना किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। ये फोटो देखिए जेपीजी फोटो है, मैं सेलेक्ट में गया, सब्जेक्ट, कितना शानदार ऑप्शन था। तो ये था पहला ऑप्शन जो फोटोशॉप के पुराने वर्जन में नहीं है, नए वर्जन में है। आइए अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन के बारे में। सेकेंड ऑप्शन है कंटेंट अवेयर टूल का।
ये ऑप्शन फोटोशॉप के पुराने वर्जन में नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ओपन करके रखा है और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जेपीजी फोटोग्राफ्स हैं। कई बार अगर आप प्री वेडिंग फोटो शूट करते हैं, मान लेते हैं आप गोवा में प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड में कई लोग नजर आएंगे जो फोटो में नहीं होने चाहिए। हम उनको मना नहीं कर सकते कि आप कैमरे के सामने मत आइए, या फिर हम सही टाइम का वेट नहीं कर सकते जब फ्रेम में कोई भी ना नजर आए। तो ऐसे में यहाँ पर एक टूल दिया हुआ है, इस टूल के बारे में भी एडवांस में हम लोग देखेंगे, एक अलग वीडियो आएगा सिर्फ इस टूल के ऊपर। लेकिन फिलहाल आप देखिए, मैंने वो टूल सेलेक्ट किया, इस लड़के के ऊपर मैंने वो टूल चलाया और बाकी का पूरा काम फोटोशॉप ऑटोमेटिक कर रहा है। वो ऐसे सब्जेक्ट को गायब करेगा जैसे वहाँ पर पहले कुछ था ही नहीं। और ये टूल इतना एडवांस है, आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर इन दोनों को गायब करना चाहा तो उनके ऊपर मैंने कंटेंट अवेयर टूल चलाया और फोटोशॉप ऑटोमेटिक उन्हें गायब कर दिया। ये देखिए एक दूसरी फोटो है, मुझे इस सब्जेक्ट को गायब करना है तो मैंने सब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट अवेयर टूल चला दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पाइप है और फोटोशॉप इस चीज को जज कर लेगा और वो पाइप को गायब नहीं करेगा, सिर्फ सब्जेक्ट को गायब करेगा, जबकि मैंने पाइप के ऊपर भी इस टूल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए फोटोशॉप प्रोसेस कर रहा है और सब्जेक्ट गायब हो गया और पाइप रह गया। इतना स्मार्ट हो गया है फोटोशॉप। आप बताइए 10 साल पुराना CS3 या फिर 15 साल पुराना 7.0 इतना स्मार्ट है? नहीं है। तो ये देखा हमने सेकेंड ऑप्शन के बारे में, जो कि फोटोशॉप के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। एक और फोटो ले लेते हैं। मैंने यहाँ बस सब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट अवेयर टूल चलाया और वो गायब है ना, जादू। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरे ऐसे ऑप्शन के बारे में जो बहुत काम का है और वो फोटोशॉप के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। आइए मैं एक फोटो ले लेता हूं। मैंने 1236 का एक पेज ले लिया है। एल्बम डिजाइनिंग के दौरान आप लोग जब भी फ्रेम बनाते हैं और फ्रेम में फोटो डालते हैं तो फोटो को कंट्रोल टी करके छोटा या बड़ा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर नए वर्जन में एक फ्रेम टूल दिया हुआ है। आपको बस फ्रेम क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लिया, आप चाहें तो स्क्वायर फ्रेम भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सर्कुलर फ्रेम भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटा फ्रेम बना दिया, एक और छोटा फ्रेम बना दिया, एक और छोटा फ्रेम बना दिया और एक और छोटा फ्रेम बना दिया। अब इन फ्रेम्स में फोटो डालना कितना आसान है ये देखिए। मैं एक फोल्डर ओपन कर लूंगा, मैं फोटोशॉप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर से एक फोल्डर ओपन कर लिया मैंने। अब मुझे जिस भी फ्रेम में फोटो डालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फ्रेम में फोटो डालना है, इस फोटो को डालना है या इस फोटो को डालना है, जिस भी फोटो को डालना है आप ड्रैग कीजिए और वो फोटो ऑटोमेटिक फ्रेम के साइज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। इसी फोटो को मुझे दूसरे फ्रेम में डालना है, मैंने उसे ड्रैग करके उसके ऊपर रख दिया, वो साइज छोटा हो गया। इसी फ्रेम को मुझे किसी तीसरे फ्रेम में डालना है, ये देखिए साइज के अकॉर्डिंग फोटो सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो बाद में साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस फोटो को बड़ा करना है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया और इसे बड़ा कर लिया, मूव कर लिया। जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेम के अकॉर्डिंग कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काफी टाइम सेव होगा। जैसे मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया, इस फ्रेम के ऊपर रख दिया। तो ये हमने देखा तीसरा ऑप्शन जो फोटोशॉप के नए वर्जन में है लेकिन पुराने वर्जन में नहीं है। आइए अब देखते हैं हम चौथे ऑप्शन के बारे में। चौथा ऑप्शन है कंटेंट अवेयर क्रॉप का। मैंने यहां पर दो जेपीजी फोटो ओपन करके रखा है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्रॉप टूल ले लेता हूं। मैंने क्रॉप टूल लिया और यहां पर अब मैं क्रॉप करने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर नीचे थोड़ा एरिया ऐसे इंक्रीज कर दिया है और कीबोर्ड से एंटर बटन दबाया। आप देख सकते हैं कि नीचे में व्हाइट कलर आ गया है, व्हाइट कलर की एक पट्टी आ गई है, मतलब यहाँ पर जो भी कलर सेलेक्टेड हो वो उस क्रॉप एरिया में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फोटोशॉप का नया वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कंटेंट अवेयर क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए मैंने कंटेंट अवेयर क्रॉप स्टार्ट किया। अब मैंने क्रॉप टूल यहाँ पर इतना एरिया मैंने इंक्रीज किया
तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा, फोटोशॉप ऑटोमेटिकली गेस करेगा कि वहां पर क्या होना चाहिए और वहां पर वो सब्जेक्ट डाल देगा। ये देखिए, उसने जज कर लिया कि यहाँ पर घास होनी चाहिए, तो उसने यहाँ पर घास डाल दिया है। ओके, इस फोटो को मैंने कर दिया क्लोज। फॉर एग्जाम्पल ये फोटो आप देख लीजिए, फुल स्क्रीन मोड। मैंने यहाँ पर क्रॉप टूल लिया, यहाँ से कंटेंट अवेयर सेलेक्ट किया, मैं ऊपर साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया ले लेता हूँ। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर बटन दबाऊंगा, फोटोशॉप जज करेगा कि ऊपर में क्या होना चाहिए और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं प्रोसेस हुआ और वहां पर ऑटोमेटिक स्काई आ गया है। अगर यही क्रॉप मैं नीचे साइड करता, ये देखिए मैंने यहाँ पर नीचे साइड ऐसा हल्का सा एरिया इंक्रीज किया, एंटर बटन पे क्लिक किया, तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली जज कर लेगा कि वहां पर क्या होना चाहिए। ये देखिए, ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर सैंड क्रिएट कर दिया। फोटोशॉप के पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है, पुराने वर्जन इतने स्मार्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोशॉप के नए वर्जन में। आइए अब देखते हैं पांचवें ऑप्शन के बारे में, जो कि फोटोशॉप के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। मैं एक फोटो ओपन कर लेता हूं। ये ऑप्शन है कंटेंट अवेयर स्केल का। मैंने कंट्रोल जे किया, फुल स्क्रीन मोड में कर लेता हूं इसे। अगर मैं इस फोटो को कंट्रोल टी करके यहां पर इस सेंटर वाले आइकॉन से ड्रैग करने की कोशिश करूंगा, मैं कॉर्नर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, यहां से अगर मैं ड्रैग करने की कोशिश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि फेस का और बॉडी का रेशियो खराब होते जा रहा है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप के नए वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर एक कंटेंट अवेयर स्केल का ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को आपको ऑन करना है और उसके बाद अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है, उसका फेस, बॉडी, उसका रेशियो खराब नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैं ड्रैग कर रहा हूं, लेकिन फेस और बॉडी का रेशियो खराब नहीं हो रहा है। आइए अगले ऑप्शन के बारे में देखते हैं, छठवें ऑप्शन के बारे में। छठवां ऑप्शन है रॉ फिल्टर का ऑप्शन। मैं एक फोटो ओपन कर लेता हूं। मैंने यहां पर एक फोटो ओपन कर लिया। एल्बम डिजाइनिंग के दौरान आपने देखा होगा कि सिंगल कलर इफेक्ट की कई फोटोग्राफ्स होती है, जिसमें एक कलर बस दिखता है, बाकी सारे कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। वैसा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कई लोग लेयर डुप्लीकेट करते हैं, ऊपर की लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, फिर इरेजर टूल चलाते हैं या फिर मास्किंग की सहायता से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप फोटोशॉप का नया वर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ फिल्टर के अंदर कैमरा रॉ फिल्टर में गया। कैमरा रॉ फिल्टर के बारे में, इसके सारे टूल्स के बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं सिंगल कलर इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें सिर्फ ब्लू कलर रखना है, बाकी सारे कलर्स गायब करने हैं। तो ये देखिए, मैंने येलो कलर गायब कर दिया, ग्रीन कलर गायब कर दिया, सिर्फ ब्लू कलर रह गया है। कितना आसान था। अगर मुझे सिर्फ ग्रीन कलर रखना है, तो ये देखिए, मैं ब्लू कलर गायब कर देता हूँ, मैं फेस का कलर गायब कर देता हूँ, मैं यहाँ का कलर गायब कर दिया, मैं येलो कलर गायब कर दिया, सिर्फ ग्रीन कलर रह गया। तो आप अपना समय बचा के बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। इसे मैंने कर दिया कैंसल। अब हम देखते हैं सातवें ऑप्शन के बारे में, जो फोटोशॉप के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। ये ऑप्शन है एडवांस लिक्विफाई ऑप्शन। लिक्विफाई का ऑप्शन फोटोशॉप के पुराने वर्जन में भी दिए गए हैं, लेकिन ये कैसे एडवांस है, ये देखिए। कई बार जब हम लोग फोटो क्लिक करते हैं या फिर ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं, तो कुछ लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सीरियस होता है और कुछ लोग स्माइल कर रहे होते हैं, या फिर कुछ लोगों की नाक बड़ी होती है, कुछ लोगों के गाल चौड़े लगते हैं, तो ऐसी फोटो को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जे किया, फिल्टर के अंदर लिक्विफाई ऑप्शन में गया। ये ऑप्शन फोटोशॉप के नए वर्जन में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, छह लोगों की एक टीम है। यहाँ पर फेस वन से लेकर फेस सिक्स तक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जिसके भी फेस के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आप फेस सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर फिर फेस टू सेलेक्ट किया और फोटो को मैं जूम कर लेता हूँ। मैंने फोटो को जूम किया, मैं यहाँ पर से स्माइल ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर फोटो में स्माइल हो रही है। मेरे को लगता है कि गाल बड़ा है यहाँ पर, तो फिर मैं देखिए जॉ लाइन में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फेस की चौड़ाई थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ये सारे ऑप्शंस हम लोग सारे फोटोज में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर से
फेस 5 सेलेक्ट किया, ये फेस 5, मैंने स्माइल करा दिया, मुझे लगता है इसकी नाक बड़ी है या छोटी है तो मैंने छोटा कर दिया, फेस की चौड़ाई मैंने कम कर दी, ये देखिए ओके किया और फोटो में इतना एडवांस और एक्यूरेट चेंज आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि फोटो में कुछ चेंजेस किया हुआ है। ये फोटो, ये ऑप्शन का इस्तेमाल आप 10 लोगों के ग्रुप में भी कर सकते हैं या सिंगल फोटो के साथ भी कर सकते हैं। कई बार क्लाइंट बोलता है कि मुझे थोड़ा मोटा कर दो, मुझे थोड़ा पतला कर दो, मेरा नाक छोटा कर दो, मेरी आंख थोड़ी बड़ी कर दो, तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने देखा सातवें ऑप्शन के बारे में जो फोटोशॉप के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। अब हम देखते हैं आठवें ऑप्शन के बारे में जो फोटोशॉप के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। ये है एडवांस कंडीशनल एक्शन का ऑप्शन। यहां पर देखिए मैंने कुछ एक्शन बना के रखा है, एक नॉर्मल रोटेट का एक्शन मैंने बनाया है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा फोटो रोटेट होगी, जितनी बार मैं क्लिक करते जाऊंगा फोटो रोटेट हो गई। लेकिन यहां पर एक रोटेट इफ वर्टिकल का एक्शन बना के रखा है। ये एक्शन बटन फोटो को तभी रोटेट करेगा जब फोटो वर्टिकल होगी। आप देख सकते हैं मैं ऊपर वाले रोटेट पे क्लिक कर रहा हूं तो वर्टिकल फोटो हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, हॉरिजॉन्टल फोटो वर्टिकल हो जा रही है। लेकिन यहां पर देखिए फिलहाल ये फोटो वर्टिकल है, मैं इस रोटेट इफ वर्टिकल पे क्लिक करूंगा, फिलहाल फोटो वर्टिकल है तो ये रोटेट हो जाएगी। लेकिन दोबारा मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फोटो रोटेट नहीं होगी क्योंकि ये फोटो वर्टिकल नहीं है। मतलब हम कंडीशनल एक्शन बना सकते हैं, जैसे ये फोटो देखिए हॉरिजॉन्टल है, मैं इस पे क्लिक करूंगा फोटो रोटेट नहीं होगी, लेकिन इसे अगर मैंने वर्टिकल कर दिया और उसके बाद इस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो फोटो रोटेट होगी, ये देखिए। तो इस तरीके से कंडीशनल एक्शन और भी ज्यादा एडवांस एक्शन हम बना सकते हैं। एक्शन के बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो आएगी, मैं बहुत जल्दी और भी ढेर सारे वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा और अपलोड करूंगा। तो अभी हमने देखा आठवें ऐसे ऑप्शन के बारे में जो फोटोशॉप के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं नौवां ऐसा ऑप्शन जो फोटोशॉप के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। आइए एक फोटो ओपन कर लेते हैं। मैंने एक फोटो ओपन कर लिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन फोटोशॉप के नए वर्जन में स्मार्ट ऑब्जेक्ट और भी एडवांस हो गया है। जैसे मैंने कंट्रोल जे किया, ऊपर की लेयर को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद अगर मैं इमेज मेनू में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, तो सारे के सारे ऑप्शंस नजर आएंगे और ये काम करेंगे। लेकिन अगर आप फोटोशॉप का पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कर्व एडजस्टमेंट लिया और ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दिया। सबसे खास बात यह होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि आप एनी टाइम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं, ब्राइटनेस थोड़ा कम होना चाहिए, तो मैं इस कर्व के ऑप्शन पे डबल क्लिक करूंगा और एडजस्ट कर लूंगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये जो एडजस्टमेंट हो रही है मास्किंग की सहायता से हो रही है, मास्किंग के साथ हो रही है। मास्किंग के ऊपर भी एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स काफी डिटेल टॉपिक्स हैं। अगर मैं मास्किंग के ऊपर एक वीडियो बनाने बैठा तो पूरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मैं आपको ये 10 अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बता नहीं पाऊंगा। जैसे मैंने मास्क सेलेक्ट किया, यहां पर चला दिया तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ घास के ऊपर है। तो ये था एडवांस स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। अब हम देखते हैं दसवें ऐसे ऑप्शन के बारे में जो फोटोशॉप के नए वर्जन में है लेकिन पुराने वर्जन में नहीं है, और ये ऑप्शन है ऑयल पेंट का ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट ऑयल पेंट का ऑप्शन। मैं एक फोटो ओपन कर लेता हूं, कंट्रोल जे कर लेता हूं, सॉरी कंट्रोल जे। ऑयल पेंटिंग के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ऑयल पेंटिंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहां पर आप देखिए ऑयल पेंटिंग आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिल्टर में गया, स्टाइलाइज में गया, यहां पर ऑयल पेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पर मैंने प्रीव्यू ऑन किया और फोटो को मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि ऑयल पेंट का इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। इसकी इंटेंसिटी हम लोग कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। ऑयल पेंट के बारे में डेडिकेटेड वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी का ऑयल पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फोटो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी और क्रिएटिव लगेगी। ओके, तो अभी मैंने आपको 10 ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताया जो फोटोशॉप के नए वर्जन में है।
इसके बावजूद भी ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो फोटोशॉप के नए वर्जन में आप कर सकते हैं, पुराने वर्जन में नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग फोटोशॉप के नए वर्जन में वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। आइए मैं एक वीडियो फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर से एक वीडियो फाइल ओपन कर लिया, एक नॉर्मल सी वीडियो फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ जो कि मोबाइल में शूट की हुई है, एक छोटा सा सीक्वेंस है। देख सकते हैं वीडियो फाइल ओपन हो गई है और नीचे में टाइमलाइन आ गया है। आइए पीछे की फोटो को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए वीडियो फाइल ओपन हो गई है और यहाँ से हम अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं, वीडियो को कट कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। यहाँ पर देखिए ये वीडियो है, फिलहाल एक नॉर्मल सा वीडियो है। मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड चंदन बाइक पे बैठता है और यहाँ निकल जाता है। फोटो बहुत डार्क है, वीडियो बहुत डार्क है, लेकिन यहाँ पर कर्व एडजस्टमेंट, मैं बस एक कर्व एडजस्टमेंट बनाऊंगा और वो पूरे वीडियो में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्राइटनेस इसका इंक्रीज कर दिया और अब देखिए ये कर्व एडजस्टमेंट पूरे के पूरे वीडियो में अप्लाई हो गया है। अगर मैं कोई सा भी दूसरा इफेक्ट दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ कलर लुकअप डाल दिया, मैंने यहाँ पर कलर लुकअप में गया और यहाँ पर से मैंने कुछ भी कलर लुकअप अप्लाई कर दिया, जैसे ये टोन अप्लाई कर दिया, तो ये देखिए वो टोन पूरे के पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप वीडियो एडिटिंग भी फोटोशॉप में कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी और नई चीजें हैं फोटोशॉप के नए वर्जन में। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे ग्रुप में, लेयर ग्रुप में क्लिपिंग मास्क डाल सकते हैं। आप फोटोशॉप के नए वर्जन में बड़े साइज का ब्रश बना सकते हैं। फोटोशॉप के पुराने वर्जन जैसे CS3 में 2500 पिक्सल का ब्रश बना सकते हैं मैक्सिमम साइज, जबकि फोटोशॉप के नए वर्जन में उसका जस्ट डबल 5000 पिक्सल का ब्रश बना सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारे अलग अलग और नए फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन सबको एक्सप्लेन कर पाना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैंने उन टूल्स, उन ऑप्शंस के बारे में बताने की कोशिश की है जो बहुत ज्यादा काम के हैं और फोटोशॉप के नए वर्जन में ही अवेलेबल है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, हो सकता है आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। आज से पहले मैं जितने भी इवेंट्स होते थे वो लाइव होते थे, मतलब मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स होते थे और उनसे मैं इंटरेक्ट करता था। मैं उनसे पूछा करता था कि कैसा आपको समझ में आया, आपको समझ में नहीं आया, आप क्या नया सीखना चाहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या नया सीखना है, और मैं और डिटेल में बताऊं आपको, या फिर टू दी पॉइंट होना चाहिए, वीडियो लंबे होने चाहिए या फिर वीडियो छोटे होने चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।